गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेनू तंबोली और मैथ्स टीचर फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल. सो टुडे वी विल कंटिन्यू दिस यूनिट फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2. ओके, एंड द नंबर 1 क्वेश्चन, मैच ईच ऑब्जेक्ट टू इट्स शेप एंड राइट द नेम ऑफ द शेप. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी मैच देम. नंबर 1, इट्स अ शेप ऑफ कोन. सेकेंड, इट्स अ शेप ऑफ क्यूबॉइड. नंबर 3, इट्स अ शेप ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेंडर. नंबर 4, इट्स अ शेप ऑफ स्क्वायर. एंड द लास्ट वन, इट्स अ वाटरमेलन शेप ऑफ स्पीयर. ओके, नाउ कमिंग टू देयर नेम्स. नंबर 1, वी विल राइट हियर स्पीयर. सेकेंड, इट्स अ क्यूब. थर्ड, इट्स अ शेप नेम कोन. नेक्स्ट, क्यूबॉइड. एंड द लास्ट वन, सिलेंडर. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Look around in your classroom or at your home and write, and what objects can you find that are shaped like the following solids. Okay, so first we will write some objects name, okay, whose shape is a cuboid, like a cuboid shape objects, lunchbox, book and shoebox. Number 2, a spear. Spear shape objects, basketball, globe and football. Number 3, a cylinder, candle, pipe and pencil. Number 4, a cone, ice cream cone, birthday cap and Christmas tree. Number 5, a cube. Cube shape object, sugar cube, chalk box and piece of ice. Here we can say ice cubes. Okay, coming to the third question. Trace the base of the following objects and write the name of the shape you get. Dice. Dice is the shape of cube. Okay, so we will draw here cube. Chalk. Shape of chalk is cylinder. So draw here cylinder shape. Next, eraser. Shape of eraser, cuboid. Okay, so you just do to draw their shapes. Okay, bottle, cap. It's a round shape, your spear. क्वेश्चन 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. टेबल को कंप्लीट करना है. नंबर 1 क्या करना है बेटा, इट्स अ कोन, है ना. कोन, कोन में नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एजेस राइट करना है. तो कोन, इट्स अ नंबर ऑफ फेसेस 2. नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉर्नर्स. नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन कोन शेप 1 एंड एजेस आल्सो 1. नंबर 2, क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6, एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, नंबर ऑफ एजेस 12. नेक्स्ट, सिलेंडर. नंबर ऑफ फेसेस 3, ओके, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 0, नंबर ऑफ एजेस 2. क्यूब, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं बेटा क्यूब में, 6, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, नंबर ऑफ एजेस 12. एंड स्पीयर में नंबर ऑफ फेस 1, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 0 एंड नंबर ऑफ एजेस 0. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द गिवन ऑब्जेक्ट्स एंड डू दे रोल और सॉलिड. इज देयर एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन डू बोथ एंड आइडेंटिफाई एंड राइट दैम. मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स की डू दे रोल और सॉलिड, कि वो रोल होते हैं या सॉलिड शेप है. सो इट्स अ बॉल. शेप ऑफ बॉल इज रोल. कैंडल, रोल. बुक, इट्स अ स्लाइड. ओके, नॉट सॉलिड. डू दे रोल और स्लाइड. ओके, स्लाइड शेप है ना ये, बुक की स्लाइड. एंड नेक्स्ट, शेप ऑफ ग्लास, रोल. शेप ऑफ जूस पैकेट, रोल. एंड नेक्स्ट, इट्स अ स्लाइड शेप. शेप ऑफ अ बॉक्स, क्यूबॉइड शेप. ओके, नंबर 6 क्वेश्चन. सर्कल द ऑड वन आउट ऑफ द बेसिस ऑफ द वेदर द ऑब्जेक्ट्स विल रोल और स्लाइड. ओके, सो नंबर 1 वी विल सर्कल ऑन इट. ओके, बटर पैकेट, बिकॉज बॉल, वाटरमेलन एंड पेंसिल शेप है ना, ये सिलेंडर शेप है. ओके, सो दीज ऑल शेप्स आर ऑब्जेक्ट्स आर रोल. ओके, एंड हियर ओनली बटर पैकेट इज अ स्लाइड शेप. नेक्स्ट, हियर वी विल सर्कल ऑन इट बॉल. बाकी सारे, दीज ऑल थिंग्स आर स्लाइड शेप. ओके, सब में स्लाइड है, बस बॉल ही रोल है यहाँ पे. नेक्स्ट, वी विल सर्कल ऑन इट
chocolate because cone and battery and juice bottle, these all are example of roll. ठीक है, only the chocolate is here example of slide shape. ठीक है, so here we completed this exercise number second, and also we completed this chapter number 7 shapes. Do complete this work in your books and send this work to your class teachers. Till then, take care. Bye bye.